मैं मिताली जैन। तो आज हम आए हैं लिटिल सीड्स एनजीओ में, जो जाना जाता है वुमेन एम्पावरमेंट और चाइल्ड एजुकेशन के लिए। तो आज हम यहाँ के फाउंडर से बात करके ये जानेंगे कि आखिर क्या मोटिवेशन थी वुमेन एम्पावरमेंट को चालू करने की। मैं आपसे आपका इंट्रोडक्शन पूछना चाहूँगी और थोड़ा सा कंपनी के बारे में इंट्रोडक्शन। तो मेरा नाम अभिषेक श्रीवास्तव है और मैं इस लिटिल सीड एनजीओ का फाउंडर हूँ। ये लिटिल सीड एनजीओ हमने 2018 में शुरू की थी, बल्कि पहले से हम इस पर काम कर रहे थे, लेकिन 2018 से हमने इसको एक फुल फ्लेज्ड लिटिल मतलब एनजीओ की फॉर्म में इसको रजिस्टर कराया। हमारा जो बेसिक इंटेंट, जो फ्लैगशिप प्रोग्राम है, उसमें हम लोग जो अंडर प्रिविलेज स्टूडेंट्स हैं, जो चिल्ड्रंस हैं, उनको एजुकेशन देते हैं, बेसिक एजुकेशन देते हैं और उनको चैनलाइज करते हैं स्कूल में, ताकि काफ़ी ऐसे बच्चे हैं जो स्कूल नहीं जा रहे हैं, जिनको इंकरेजमेंट नहीं मिल रहा है, उनको हम स्कूल की ओर चैनलाइज करते हैं, उनको हेल्प करते हैं कि वो जो एंट्रेंस एग्ज़ाम्स हैं वो टेकअप करें। इसके साथ साथ हम लोग अभी वुमेन एम्पावरमेंट, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, इन सब में अपना योगदान दे रहे हैं। हमारे पास कम से कम अभी इस समय मोर देन 250 वॉलंटियर्स हैं जो कि फुल फ्लेज्ड हैं। सर, आप थोड़ा इजी वे में हमें ये बता सकते हैं कि वुमेन एम्पावरमेंट क्या होता है? वुमेन एम्पावरमेंट बेसिकली जो महिलाएं हैं उनको हम लोग एक लिवलीहुड सोर्स दे पाएँ। अब मतलब असली माने में वुमेन एम्पावरमेंट वो है। कई बार कई ऐसा होता है कि किसी परिवारों में एक मेल जो मेंबर होता है वही एक फाइनेंशियल एट्रीब्यूट्स होता है, लेकिन जहां हम लोग वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं तो उसको हम लोग एक ऐसा टूल देते हैं, एक ऐसी नई स्किल देते हैं जिससे वो अपने जो फैमिली में है फाइनेंशियल एट्रीब्यूट्स में कंट्रीब्यूट कर पाए। सर, सबसे स्ट्रेसफुल पॉइंट क्या होता है जब आप वुमेंस की हेल्प करने जाते हैं या आप अपनी थिंकिंग सोशली सबको बताते हैं, तो सबसे स्ट्रेसफुल पॉइंट क्या होता है? सबसे स्ट्रेसफुल क्योंकि हम लोग जाते हैं जगह जगह कैंपेन करते हैं और सर्वे करते हैं, तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट हमें मिलता है कि जो वुमेन है वो घर से बाहर नहीं आना चाहती हैं, और कहीं ना कहीं लगता है कि जो उनका एक जो फैमिली का जो इन्वायरमेंट है, जो माहौल है, वो उनको कहीं ना कहीं रोकता है कि नहीं, अगर वो लोग बाहर जाएंगे तो वो सीख रहे हैं तो लोग क्या कहेंगे। तो ये एक मुझे लगता है कि बहुत बड़ा एक फैक्टर है जिससे कि हम लोग मतलब वुमेंस तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। एक मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, कोई टिप या फिर कोई प्रिकॉशन जिसके थ्रू हमें इस चीज़ की नीड ही ना पड़े। जैसे अभी हम वुमेन एम्पावरमेंट को हमने इंट्रोड्यूस करा है, तो हम लोग ये चाहते हैं कि भारत में ऐसा टाइम हो कि इसकी हमें नीड ही ना पड़े, तो इसकी टिप्स या फिर कुछ एडवाइस क्या हो सकती है? देखो, नीड तो वुमेन, क्योंकि देखिए कंसेप्ट तो वुमेन एम्पावरमेंट अभी आया है, लेकिन अगर आप देखेंगे कि पहले से देखेंगे वुमेन एम्पावरमेंट जैसा कंसेप्ट था ही नहीं। ठीक है, एवरी इंडिविजुअल इज़ यू नो लाइक एम्पावरिंग, बट ऑल दो इट्स अ वेस्टर्न आइडियोलॉजी की वुमेन एम्पावरमेंट की हम लोग बात करते हैं, वुमेन की सशक्तिकरण की बात करते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट अगर हम लोग बोले कि वुमेन एम्पावरमेंट को आगे लाना है, क्योंकि वुमेन एम्पावरमेंट एक लाइक उन उस सेक्टर में है या फिर उस वर्ग में है जिसमें जो गरीब लोग हैं या मतलब जो गरीब महिलाएं या बोले तो उस सेक्टर में और उसमें हैं, तो उसमें हम लोग उनको इंसेंटिवाइज कर सकते हैं। इंसेंटिवाइज मतलब कि जैसे कि अगर वो सेंटर में आती है तो हम उनको फाइनेंशियल कैसे वो कर सकते हैं ताकि वो अपना लिवलीहुड को अर्न कर सके। तो एक बहुत ऐसे कोर्सेज और ऐसे स्किल्स को उनको दे ताकि वो अपने लिवलीहुड को आगे सस्टेन कर पाए। क्वेश्चन आपसे ये है कि आप आज की जनरेशन को कैसे वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में अवेयर करेंगे? मेरे ख्याल से सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो हमको यूथ को फोकस करना पड़ेगा, ठीक है, यूथ को सेंसिटाइज करना पड़ेगा इस बारे में, क्योंकि यूथ को पता ही नहीं है, वो एक स्टेज पे आके उसको पता लगता है। तो पहला पॉइंट हम लोग, क्योंकि हमारी एनजीओ ये फोकस करती है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग वर्कशॉप्स करें, वर्कशॉप्स उन एरियाज़ में करें जहाँ मतलब लोगों को इसकी अवेयरनेस नहीं है। सेकेंड पॉइंट ये था कि हम लोग स्कूल्स में, कॉलेजेस में जाके वर्कशॉप अवेयरनेस प्रोग्राम करें जिससे हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा यूथ तक पहुंच पाएँ और वो इस बारे में अवेयर हो पाए। थैंक यू सर। सूचना के लिए जुड़े रहिए प्राइम न्यूज़ 24 से। मैं मिताली जैन विद कैमरामैन हार्दिक नेगी, धन्यवाद।